दोस्तों, अभी बज रहे रात के 8। मैं फिर आया हूँ अभी भाईकल्ला में, जो लालबाग का राजा गणपति है, भाईकल्ला से होके जाता है। तो अभी आया हूँ और फिर सुबह भी आऊँगा। अभी एक ब्लॉक देख सकते कितने सारे लोग हैं, सब रुके हुए हैं, गणपति जी का वेट कर रहे हैं, सबको दर्शन करना है, सब डिवाइडर पे बैठे हैं, मुंबई पुलिस सब जगह है। और धीरे धीरे क्राउड आते जा रहे हैं लालबाग के राजा का। आगे जा रहा हूँ मैं लाल बच्चे राजा गणपति जी को देखने। धीरे धीरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, एक बार दर्शन हो जाए फिर मैं ट्राई करूँगा गिरगांव चौपाटी जाने के लिए। जय जय श्री राम बोलेगा। यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी मूर्ति है, गाय के ऊपर है। सब दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। मैं जा रहा हूँ लालबाग के राजा गणपति के साइड। दोस्तों लालबाग के राजा दिख रहे बहुत दूर है, अभी यहाँ पे आ रहे रोड पे, दर्शन करूँगा वापस। सामने जो आपको दिख रहा है महाकाल बना है, इसके ऊपर से फूल गिरेगा गणपति पप्पा के ऊपर। कितने सारे लोग है देख सकते हैं। जा रहा हूँ मैं आगे आगे, जैसे जा रहा हूँ लोग का क्राउड बढ़ते जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। देख सकते हो आप कितना बड़ा और ब्यूटीफुल रंगोली बनाया गया है राजा के लिए, स्वागत के लिए। दोस्तों देख सकते हैं लोग प्रसाद और फूल लेके रखे हैं, यहाँ पे भी प्रसाद और थोड़ा पैसा वैसा चढ़ाने के लिए गणपति पप्पा को। GPS जैमर, पुलिस की गाड़ी, पुलिस का वैन, ये अच्छा ये फोर्स है। और सामने लालबाग का राजा, यहाँ पे भी बहुत सारा हार लगा दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं लोग कितना सारा प्रसाद लेके आए हैं चढ़ाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लालबाग का राजा गणपति को बहुत ही बड़े बड़े हार ऐसा लटकाया गया था वो चढ़ाने के लिए। फिर वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो हार को काट के गणपति जी के चढ़ा रहे थे। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, सब लोग यहाँ पे दब रहे थे गणपति के पास ही, हज़ारों में लोग थे यहाँ पे। फिर बाद में वो फूल तोड़ के उनके कार्यकर्ता लोग ने वहाँ पे वो फूल को चढ़ा दिया। और देख सकते गणपति जी एकदम सामने बहुत ही सुंदर दिख रहे। बाद में ये लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके ये फूल ले भी लिया। तो दोस्तों मैं लालबाग के राजा गणपति का इंतज़ार ही कर रहा था, तो लालबाग के राजा गणपति के आगे ही ये बहुत ही सुंदर मूर्ति आई थी गणपति जी की, जो एंटॉप हिल्स का राजा है। तो फाइनली लालबाग के राजा गणपति जी भी आ चुके थे। दोस्तों ये लाइट लग चुका है लालबाग के राजा गणपति के लिए, बहुत ही पावरफुल लाइट है। आ रहे हैं यहाँ पे शायद से आरती हो रहा है। Oh,
चौपाटी और यहाँ का ब्यूटीफुल दोस्तों देख सकते हैं थाईलैंड से लोग आए साथ। लोग थाईलैंड से आए गणपति फेस्टिवल इंजॉय करने। चौपाटी पे आया हूँ, यहाँ पे जितनी भी जो बड़ी बड़ी मूर्ति है ना मैं आपको सब दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आया था मुंबई के फेमस गिरगांव चौपाटी पे, जहाँ मुंबई की सबसे बड़ी बड़ी गणपति का विसर्जन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे समंदर में बहुत सी गणपति की विसर्जन हो गई थी, और ये देख सकते हैं गणपति का कैसे विसर्जन किया जाता है, रस्सी से खींच के मूर्ति को पानी में गिरा दिया जाता है। गणपति अप्पा मोरिया। तो दोस्तों विसर्जन के लिए जा रहे हैं गणपति, देख सकते हैं आप। दोस्तों गिरगांव चौपाटी में था, एक्चुअली मैं लेट हो गया, जो बड़ी बड़ी मूर्ति थी सब विसर्जन हो गई है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम बना लूँगा और सुबह आऊँगा मैं लालबाग का राजा गणपति का विसर्जन का वीडियो बनाने। तब तक लिए थोड़ा बहुत और वीडियो दिखा देता आपका। फिर हमने दिखा भगवान गणेश का ये बहुत ही सुंदर मूर्ति, जो कि अयोध्या के राम मंदिर के जैसा ही हुबहू बनाया गया था। यहाँ पे आए गए हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी। पुलिस बहुत अच्छे से क्राउड को कंट्रोल कर रही है। सुंदर गणपति जी आए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों क्राउड देख सकते हैं आप कितना क्राउड है यहाँ पे। यहाँ पे सब मीडिया वाले खड़े हैं।